सो वेलकम बैक गाइस, को फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में कक्षा 12वीं का जो विषय है अंग्रेजी का पेपर देख लीजिए। यहाँ पर सप्लीमेंट्री का जो पेपर है यहाँ पर देख लीजिए। हमारे पास जो आपका इंग्लिश का पेपर है हमारे पास, तो गाइस जल्दी से आप इस पेपर को देख लीजिए और गाइस पूरा पूरा याद कर लीजिए, क्योंकि गाइस जो है आपका पेपर कल 17 तारीख को पेपर है। सो जल्दी से जल्द आप इसे याद कर लीजिए। पूरे पूरे क्वेश्चनों के हम जो है आंसर आपको इसी वीडियो में जो है प्रोवाइड करा देंगे। सो गाइस जल्दी से आप वीडियो को ध्यान से देखना और गाइस देख लीजिए, यहाँ पर आपके टोटल 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। सो गाइस 15 क्वेश्चनों के आंसर हम आपको इस वीडियो में बता देंगे। सो गाइस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। विषय अंग्रेजी का जो पेपर है आपका देख लीजिए, यहाँ पर जो है 80 नंबर का रहने वाला। और गाइस यहाँ पर आप अपने जो है निर्देश देख लेना। चलिए फटाफट अब आपके जो है क्वेश्चन देख लेते हैं। जो गाइस यहाँ पर क्वेश्चन देखने से पहले आप जल्दी से फटाफट वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस देख लीजिए यहाँ पर सेक्शन ए है, यहाँ पर रीडिंग, यहाँ पर देख लीजिए रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। सो गाइस यहाँ पर जो आपको एक पैसेज दिया हुआ है यहाँ तक है आपका पैसेज। सो गाइस आपको इसको पढ़ना है और गाइस इसके जो क्वेश्चन है इसके आंसर आपको इसी पैसेज में मिल जाएंगे। सो गाइस चलिए हमने इसके आंसर जो है आपको इसी वीडियो में जो है बता देंगे, हमने बता दिया आपको। देख लीजिए पहले का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ए रहा और इसका आंसर देख लेते हैं। तो गाइस हम आपको आंसर प्रोवाइड कराने वाले हैं ताकि जो है छोटे से वीडियो में ही आपको पूरे जो है आंसर कंप्लीट हो जाए। सो गाइस दूसरे में आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, तीसरे में आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा देख लीजिए, यहाँ पर चौथे में है डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, फिर गाइस यहाँ पर पाँचवें में बी ऑप्शन, यहाँ पर देख लीजिए राइट का चिन्ह लगा दिया वही आपके राइट आंसर है। फिर गाइस यहाँ पर पाँचवा आ जाता है, पाँचवें का जो राइट आंसर है ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर गाइस इसके बाद सातवें का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, आठवें में आपका डी ऑप्शन। और गाइस नौवां क्वेश्चन है, नौवें क्वेश्चन का जो है ऑप्शन देख लेते हैं, फिर गाइस आपको राइट आंसर देख लीजिए, नौवें का है जो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, दसवीं में आपका डी ऑप्शन। सो गाइस इस तरह जो है हमने आपके 10 नंबर कंप्लीट करा दिए। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके क्वेश्चन जो है 10 नंबर कंप्लीट हो गए। आप जल्दी से इसे याद कर लीजिए और गाइस पूरे आप जो है पैसेज पढ़ लेना जो हम पैसेज आपको बता रहे हैं। देख लीजिए क्वेश्चन दूसरा आ जाता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स। यहाँ पर आपको इस पैसेज के नोट्स बनाने हैं और इसका जो है टाइटल लिखना है। जो आपके क्वेश्चन चौथा में आपको 4 नंबर मिल जाएंगे अगर आप इसके नोट जो है इसमें से पैसेज में से आपको छांट कर जो है नोट्स बनाने होते हैं। वो गाइस इसका टाइटल लिखना है। सो गाइस यहाँ पर आपको 4 नंबर आपको जो है इसका टाइटल यानी इसके पूरे जो है हम बता देंगे आपको, कोई टेंशन नहीं लेना है। वीडियो के एंड में जो है इसका आंसर हम आपको बता देंगे कैसे लिखना है। सो गाइस अभी जो है जितने क्वेश्चनों के आंसर इस पेपर में सॉल्व हो जाते हैं सो हम पेपर में कराएंगे। वो गाइस बाकी जितने क्वेश्चन रह जाएंगे उसके आंसर हमने कॉपी में लिख लिए, सो आपको कॉपी में दिखा देंगे। सो गाइस यहाँ पर क्वेश्चन तीसरा आ जाता है, ये रहा आपका क्वेश्चन तीसरा जो कि 4 नंबर का ए रहा इसका अथवा। सो गाइस जल्दी से आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर आपको जो है डिजाइन है, पोस्टर है, इन टू इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर आपको इसमें जो है हम बता देंगे आपको इसका जो पोस्टर कैसे बनाना है। यहाँ पर क्वेश्चन चौथा ये रहा आपका, लाउड स्पीकर पर आपको जो है इसमें लेटर लिखना है। सो गाइस ये आपका क्वेश्चन चौथा हो जाता है, इसका अथवा देख लीजिए, ये रहा इसका अथवा देख लीजिए, यहाँ पर इसमें भी अथवा में भी आपको राइट लेटर लिखना है। फिर गाइस क्वेश्चन पाँचवा आ जाता है, यहाँ पर देख लीजिए राइट रिपोर्ट, यहाँ पर आपको इसमें रिपोर्ट लिखनी है और इसका अथवा देख लीजिए, इसमें से किसी एक टॉपिक पर जो है आपको शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है 120 वर्ड में। सो गाइस ये आप कर देना। सो गाइस यहाँ पर 4 में से कोई किसी एक जो है आपको किसी एक पर जो टॉपिक है, 4 टॉपिक दिए हुए हैं, 4 में से एक पर आपको 120 वर्ड में जो है निबंध लिखना है। सो गाइस फिर छठवां क्वेश्चन आ जाता है, छठवां क्वेश्चन में आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक से आपके जो है रिक्त स्थान है यहाँ पर एनी 5 करना है। पहले में जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, देख लीजिए हमने टिक कर दिया है। यहाँ पर दूसरे में आपका मैनी हो जाएगा, फिर गाइस यहाँ पर इन हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए राइट के चिन्ह लगा दिए वही आपके राइट आंसर है। यहाँ पर इसमें ये हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा। सो गाइस हमने यहाँ पर रिक्त स्थानों में जो इनके आंसर नहीं भरे और उन जो आंसर इनके इन ऑप्शनों में से राइट के चिन्ह लगा दिए वही आपके राइट आंसर हो गई। जल्दी से आप इन्हें देख लीजिए। फिर गाइस क्वेश्चन 7 आ जाता है, यहाँ पर डोजी डायरेक्ट यानी 5 करना है। सो गाइस यहाँ पर चलिए इसके डोजी डायरेक्ट देख लेते हैं। सो गाइस यहाँ पर देख लीजिए ए रहे आपके डोज डायरेक्ट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। सो गाइस ये रहे आपके 6 डोज डायरेक्ट, फटाफट इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब नेक्स्ट इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। इनके जो आंसर है हमने बता दिया आपको, ये पेपर में नहीं सॉल्व होना है इसलिए हम कॉपी में कल इसके आंसर दिखा देंगे। फिर गाइस यहाँ पर 8वां क्वेश्चन हो जाता है, रीड द फॉलोइंग स्ट्रक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। सो गाइस यहाँ पर जो है आपको
एक पैसे दिख रहा है। सो गाइस इसको आपको पढ़ना, पहले तो इसको रीड करना है, फिर गाइस इसके जो है क्वेश्चन इसी में मिल जाएंगे। सो गाइस यहाँ पर चलिए, हमने जो इसको पूरा पूरा पैसेज को पढ़ा, फिर गाइस इसके आंसर हमने इस यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। सो गाइस यहाँ पर देख लीजिए, पहले का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, फिर गाइस दूसरे का यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, फिर गाइस ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, फिर गाइस यहाँ पर चौथे का जो है सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, फिर गाइस पांचवें का बी ऑप्शन। सो गाइस पांच नंबर का क्वेश्चन आठ आपका। सो गाइस यहाँ पर फिर क्वेश्चन नौ आ जाता है, यहाँ पर क्वेश्चन नाइन है आपका जो है, क्वेश्चन नौ में आपके ए और बी दो क्वेश्चन है, ए क्वेश्चन ए रहा, बी क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट पेज में। यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर गाइस यहाँ पर इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। देख लीजिए पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, दूसरे में भाई आपका ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। फिर गाइस यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा गाइस आपका तीसरा क्वेश्चन, तीसरे में आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर गाइस यहाँ पर नौवीं का जो बी क्वेश्चन है यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका नौवीं का बी क्वेश्चन, जल्दी से आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, फिर गाइस यहाँ पर दूसरे में यहाँ पर डी ऑप्शन, तीसरे में आपका डी और चौथे में आपका बी हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पर देख लीजिए फिर से एक बार, पहले में डी, दूसरे में यहाँ पर डी हो जाएगा, तीसरे में डी हो जाएगा, चौथे में आपका बी ऑप्शन। सो गाइस हमने आपको जो है आंसर इस वीडियो में हमने बता दिया, सभी क्वेश्चनों के आपको आंसर फटाफट प्रोवाइड करा रहे हैं। सो गाइस यार जल्दी से आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर गाइस यहाँ पर क्वेश्चन दसवां आ जाता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड, यहाँ पर आपको जो है 30 वर्ड में इनके आंसर लिखने हैं और एनी फाइव करना है। सो गाइस यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, छठवां, सातवां, इन सातों में से आपको कोई पांच क्वेश्चनों के आंसर देना है। सो गाइस इनके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन चारों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर गाइस यहाँ पर इन तीनों के और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो गाइस इनमें से आपको सातों में से पाँच करने हैं। फिर गाइस यहाँ पर क्वेश्चन ग्यारहवां आ जाता है, क्वेश्चन ग्यारहवां में भी जो है क्वेश्चन ग्यारहवां में भी आपको इनके आंसर जो है 30 वर्ड में लिखना है और यानी 3 करना है। सो गाइस यहाँ पर देख लीजिए दो दो नंबर के हैं तो 6 नंबर आपके इसमें पक्के हो जाएंगे, 4 में से 3 कर देना है। फिर गाइस बारहवां क्वेश्चन आ जाता है, बारहवां क्वेश्चन में भी आपको 30 वर्ड में इनके आंसर लिखने हैं यानी 2 करना है। सो गाइस 3 में से 2 कर देंगे, सो गाइस 4 नंबर आपके इसमें पक्के हो जाएंगे। फिर गाइस इसमें से आपका 13वां क्वेश्चन आ जाता है, 13वां क्वेश्चन में आपको जो है इनके आंसर 75 वर्ड में लिखना है और यानी 2 करना है। सो गाइस 6 नंबर आपके इसमें पक्के हो जाएंगे। फिर गाइस 14वां क्वेश्चन है, ये रहा आपका 14वां क्वेश्चन जो कि 75 वर्ड में आपको इनके आंसर देने हैं। सो गाइस 2 में से आपको एक कर देना, अथवा में भी क्वेश्चन है, सो गाइस 2 में से एक कर देंगे तो गाइस 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। फिर गाइस यहाँ पर देख लीजिए 15वां क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन में आपको देख लीजिए अथवा में भी क्वेश्चन है, गाइस 2 में से इन 2 में से एक क्वेश्चन करना है, सो गाइस आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। इस तरह गाइस जो है आपके पूरे पूरे क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाते हैं, 15 क्वेश्चन है टोटल। सो 15 क्वेश्चनों के आंसर हमने आपको बता दिए। आप गाइस आप जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब।